दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बच्चों का डायपर चेंज करने का एक पैटर्न क्या होता है, सही तरीका क्या होता है, किस तरीके से आपको बच्चे का डायपर जो है वो चेंज करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं बच्चे के डायपर चेंजिंग प्रोसेस के बारे में, स्टेप्स के बारे में, वो क्या होते हैं, क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे कि आजकल पेरेंट्स को बच्चों को डायपर जो है वो 24/7 पहनाना पड़ता है ड्यू टू यू नो बहुत ज़्यादा हेक्टिक लाइफस्टाइल है सबकी। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे की स्किन पर रैशेज हो जाते हैं या इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलते हैं। मेरे पास काफी कमेंट्स आते हैं इस तरीके के। लेकिन मैंने मेरी डॉटर को 24/7 जो है वो डायपर पहनाती थी, लेकिन उसको रैशेस का प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जो डायपर चेंज करने का स्टेप्स होते हैं उनको बिल्कुल अच्छे से फॉलो करती थी, जिससे कि उसको कोई भी रैशेस का या इरिटेशन का या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम उसको ना हो। क्या स्टेप्स होते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने मॉम केयर एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज़ तो ये, जब भी आपको बच्चे का डायपर चेंज करना है तो पहले आपको जो गंदा डायपर है वो हटाना है, और उसके बाद में डायपर एरिया को, जो बच्चे का प्राइवेट एरिया है, उसको आपको अच्छे से क्लीन करना है विद द हेल्प ऑफ बेबी वाइप्स। बेबी वाइप्स जो है वो सबसे ईजी टू यूज़ होता है, हैंडी होता है। आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी आपको डायपर चेंज करना है, तो ऐसे में बेबी वाइप्स जो होती हैं वो काफ़ी हैंडी हो जाती हैं। घर पर भी आप चेंज करें, बच्चा जब बहुत छोटा होता है, अपनी गर्दन भी नहीं संभाल पाता है या बैठ नहीं पाता है, ऐसे में आप बच्चे को वॉशरूम नहीं लेके जा सकते हैं, तो आपको बच्चे का जो डायपर है वो रूम में ही चेंज करना पड़ता है। ऐसे में जो बेबी वाइप्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। अब बेबी वाइप्स आपको वो सेलेक्ट करनी है जो कि ऑर्गेनिक हो, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा कम केमिकल हो या फिर बिल्कुल केमिकल ना हो। कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उनसे फ्री होनी चाहिए जो भी आप बच्चे के लिए यूज़ कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा जो बेबी वाइप्स होती हैं जो हम छोटे बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, वो वाटर बेस्ड होनी चाहिए, ना कि सोप बेस्ड। जो मैं मेरी डॉटर के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती थी और काफ़ी ज़्यादा मैं रिकमेंड करती हूँ, वो है गुडनेस की बेबी वाइप्स। ये बेबी वाइप्स जो है वो ऑर्गेनिक हैं, इतनी जेंटल है, इतनी सॉफ्ट इसकी वाइप है, जो कि बच्चे की स्किन पे बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता है, काफ़ी जेंटल है। तो जो वाइप है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे के डायपर एरिया पे या फिर आप बच्चे का कोई भी एरिया क्लीन कर रहे हैं, यानी कि फेस क्लीन कर रहे हैं, आप बच्चे की बॉडी को भी पोंछ रहे हैं, तो भी वो बिल्कुल भी स्किन पे इरिटेट नहीं करनी चाहिए। तो ये जो वाइप है आप जिस पिक्चर्स में देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, और पर्सनली मुझे इस वाइप की ये भी एक अच्छी बात लगी कि इसका साइज़ काफ़ी अच्छा है। पास्ट में मैंने ऑलमोस्ट न जाने कितनी कंपनीज की वाइप्स जो है वो ट्राई की हैं, उनमें सबसे अच्छा साइज़ जो है वो मुझे गुडनेस मी की वाइप का साइज़ लगा। जब वाइप का साइज़ अच्छा होता है तो आपको एक ही वाइप में आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा वाइप्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये वाटर बेस्ड है तो आपके बच्चे की स्किन को किसी भी तरीके से इरिटेट नहीं करेगी, किसी भी तरीके से रैशेज़ वगैरह जो है वो बच्चे की स्किन पे नहीं होने वाले हैं। गुडनेस मी की वाइप है वो पीडियाट्रिशियन सर्टिफाइड है, विच मीन्स कि डॉक्टर्स भी इसको क्लीन चिट देते हैं कि ये बच्चों की स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है। जो न्यूबॉर्न्स होते हैं जिनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बड़ी जल्दी से इरिटेशन हो जाती है या रैशेज हो जाते हैं, बच्चों के लिए भी ये जो बेबी वाइप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप इसको टॉडलर के लिए यूज़ कर सकते हो, एज वेल एज आप बड़े लोगों के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ तो मैं ये जो बेबी वाइप का पैकेट है वो मैं अपने साथ रखती हूँ। जैसे कि मेरी डॉटर अभी डायपर नहीं यूज़ करती, लेकिन बेबी वाइप जो है वो हमारे पूरे दिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वो ऐसे जब भी मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, अक्सर ये होता है कि पीहू को कुछ ना कुछ खाने को होता है, कुछ ना कुछ उसको खाने का मन करता है, तो बीच में हाथ गंदे हो जाते हैं, कभी मुंह गंदे हो जाते हैं। अब आप कार में कहाँ पे वॉश कराओगे? तो ऐसे में जब आपके पास में बेबी वाइप्स होती हैं तो आप बच्चे का फेस एंड हैंड आराम से क्लीन कर सकते हो, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है तो आपको ये भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या हम बच्चे का फेस जो है वो इससे क्लीन कर सकते हैं, यानी आप आराम से क्लीन कर सकते हो। इवन मुझे भी कई बार, मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे को फेस वॉश करने का मन है, तो मैं अपने फेस को भी इस बेबी वाइप से आराम से क्लीन कर लेती हूँ, काफ़ी गंदगी जो है वो निकल जाती है और बहुत रिफ्रेशिंग सा फील होता है। तो कोई भी इस बेबी वाइप को आराम से यूज़ कर सकता है। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, मतलब स्किन पे किसी भी तरीके की एलर्जी नहीं होती है, एंड हाइपोलर्जेनिक भी है, विच मीन्स कि जो लोग भी या जो सेंसिटिव स्किन वाले बच्चे भी इसको अप्लाई करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, उनको भी किसी भी तरीके की एलर्जी नहीं देखने को मिलती है। इसमें ऑर्गेनिक एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है जो कि स्किन को काफ़ी कूल करता है, स्किन को काफ़ी सूदिंग सी प्रॉपर्टीज होती हैं एलोवेरा के अंदर, और
और ऑर्गेनिक रोज वाटर भी मिला हुआ है। रोज वाटर हम सब जानते हैं हमारी स्किन के लिए काफी अच्छी चीज होती है, न्यू बॉर्न्स के लिए भी, टॉडलर्स के लिए भी एंड अडल्ट्स के लिए भी। वीगन है एंड क्रुएल्टी फ्री है, मतलब इसका किसी भी एनिमल पे टेस्ट नहीं किया गया, जिससे कि किसी भी एनिमल को हार्म नहीं हुआ है इन वाइप्स को बनाते वक्त या टेस्ट करते वक्त। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपसे बोला कि वाइप में कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए, आपके बच्चे के किसी भी प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए। गुडनेस की जो वाइप्स हैं इसमें टॉक्सिन्स नहीं हैं, मिनरल ऑयल्स नहीं हैं। मिनरल ऑयल्स जो होते हैं वो स्किन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचाते हैं। इसके अलावा इसमें पैराबिन भी नहीं है, एल्कोहल भी नहीं है, किसी तरीके की डाइज, कलरिंग, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें इसमें एडेड नहीं है। उसके अलावा इसमें पेट्रोलियम भी एडेड नहीं है और सिलिकॉन भी एडेड नहीं है, विच मीन्स कि आपके बच्चे की स्किन के लिए हर तरीके से सेफ है। और अगर आप जानते होंगे, अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप सब जानते कि मैं कितनी बड़ी फ़ैन हूँ उन वाइप्स की जिसमें इस तरीके की लिड्स दी हुई होती हैं, जिनमें टेप स्टाइल का होता है। वो टेप का जो ग्लू है वो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है, 2-3 बार आप उसको उठा के चिपकाते हैं वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में सारी वाइप्स जो है आपकी ड्राई हो जाती हैं। इसीलिए मैं हमेशा ही आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप वो बेबी वाइप्स परचेस करें जिसमें इस तरीके की लिड हो। इस लिड से ये होता है कि ये लिड तो ख़राब नहीं होती, जब तक आपकी वाइप पूरी फिनिश होंगी आराम से लिड लगी रहती है, आपकी वाइप्स जो है वो अच्छे से वेट बनी रहती हैं, सूखती नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इस लिड की वजह से आपकी जो वाइप्स हैं वो एकदम हाइजीनिक बनी रहती है, किसी भी तरीके की डस्ट, गंदगी कुछ भी नहीं जाता है। और ये लिड को हटाने के बाद में इसमें एक टेप भी है जो कि डबल प्रोटेक्शन देता है आपकी वाइप्स को गंदी होने से या फिर सूखने से, ये तरीके की परेशानी नहीं होगी। तो इसमें डबल प्रोटेक्शन है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और ये मैंने 3 का पैक लिया है और आप भी इसको परचेस कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप अप्लाई करेंगे MOMKID20 कोड तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो है ना ये अमेजिंग डील। तो जल्दी से जाइए आप गुडनेस मी की साइट पे और इस प्रोडक्ट को अपने लिए जल्दी से बुक कीजिए। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, बच्चे के डायपर एरिया को आपने अच्छे से वाइप से क्लीन कर दिया और उसके बाद में आपको डायपर एरिया को ऐसे ही छोड़ देना है फॉर 5 to 10 minutes, जिससे कि बच्चे की स्किन जो है वो अच्छे से सूख जाए, ड्राई हो जाए, बिल्कुल भी गीली नहीं हो। क्योंकि जब भी आप गीली स्किन पे डायपर पहनाते हैं तो बच्चे को रैशेस ज़्यादा होने की संभावना बढ़ जाती है। स्किन सूखने के बाद में ही आपको, आप चाहें तो डायपर रैश क्रीम लगा सकते हैं, आप चाहें तो कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं बच्चों के डायपर एरिया पे, एंड देन आप कोई फ्रेश डायपर बच्चे को पहना सकते हैं। ये होती है सही टेक्निक बच्चे के डायपर को चेंज करने की। इस तरीके से करेंगे तो आपके बच्चे के बिल्कुल भी जो रैशेज वगैरह कुछ भी नहीं पड़ेगा, कोई भी इरिटेशन नहीं होगी। ट्रस्ट मी, मैंने तो यही चीज़ें फॉलो की हैं और मेरी डॉटर को टच वुड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं रही थी। अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेस करना है तो मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन में एक बार जाके जरूर चेक कीजिएगा, रिव्यूज पढ़िए, तो आप लिंक पे जाके अपने लिए इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। MOMKID20 कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा इससे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन भी पेरेंट्स के छोटे बच्चे हैं, जिससे कि वो भी सही तरीका पता कर सके कि कैसे बच्चे का डायपर जो है वो चेंज करना चाहिए। और अगर अभी तक MOMKID एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।